हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन के अंदर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा फंक्शन भी और गामा फंक्शन भी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है गामा फंक्शन। तो आज हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, गामा फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज गामा फंक्शन। देखिए, अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूं या बीटा फंक्शन की बात करूं तो दोनों के दोनों ही फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में दोनों ही डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गामा फंक्शन की। आज के लेक्चर में हमें गामा फंक्शन ही पढ़ना है। तो व्हाट इज गामा फंक्शन, देखिए क्या है। इफ एन इज पॉजिटिव, अगर एन एक पॉजिटिव नंबर है, एफ क्या एन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, देन द डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल लिखा गया है, क्या है डेफिनेट इंटीग्रल, जीरो से इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसी को कहा जाता है इज कॉल्ड गामा फंक्शन। इसी को क्या कहते हैं, गामा फंक्शन ऑफ एन। इसको कैसे रीड करेंगे, गामा फंक्शन ऑफ एन, है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय, अब देखिए गामा फंक्शन के लिए क्या सिंबल बनाया गया, ध्यान दीजिए। देखिए गामा के लिए सिंबल है ये वाला, गामा एन, गामा एन। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अंडर रूट का सिंबल होता है, तो ये अंडर रूट नहीं है, ये गामा है। ध्यान रखना, रूट का सिंबल ये होता है और ये गामा का सिंबल है। तो आपको गामा का सिंबल बनाना है, रूट का सिंबल नहीं बनाना है, ठीक। तो गामा एन, तो यानी कि इसको गामा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब हमारा गामा एन का फॉर्मूला क्या हो गया। तो गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन एन डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, गामा एन के लिए, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला आ गया गामा एन के लिए। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा कि गामा एन का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है। और गामा एन क्या है, गामा एन इज अ फंक्शन ऑफ एन एंड इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है, जीरो से इंफिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब ये फंक्शन सभी को अब पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको गामा फंक्शन मालूम हो कि गामा फंक्शन क्या है, ठीक है। तो गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये हमारे पास है गामा फंक्शन, ठीक। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पर जो एन है वो ग्रेटर देन जीरो है। एन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब आगे देखिए, तो ये तो हो गया हमारा गामा फंक्शन ऑफ एन, है ना, गामा फंक्शन ऑफ एन। चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, देखिए। अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, देखिए यहां पर गामा एन की वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स है। अब यहीं पर अगर हम इसको ऐसा करें, देखिए अगर मैं यहां पर n की जगह n प्लस वन पुट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, n की जगह पर n प्लस वन पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखते हैं जरा। n की जगह पर n प्लस वन, तो देखो अगर आप n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे तो n की जगह आ जाएगा n प्लस वन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, n को रिप्लेस कर रहे हैं n प्लस वन से, तो n की जगह पर n प्लस वन आ जाएगा। राइट साइड में देखिए क्या आएगा, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, यहां पर e की पावर x और x की पावर, देखिए x की पावर में क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना जरा इधर, x की पावर n माइनस वन है, हम n को रिप्लेस किया किससे, n प्लस वन से, तो वन से वन कट जाएगा यानी कि x की पावर n बचेगा। तो यहां पर जब n की जगह आप n प्लस वन रख रहे हैं तो x की पावर n बचेगा, दैट इज dx। क्या गया, dx, यानी कि गामा n प्लस वन का फॉर्मूला हो गया जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। ये हमारा क्या हो गया, गामा n प्लस वन का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
अगर मैं यहां पर गामा वन, देखिए गामा वन की वैल्यू को निकालते हैं, गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए गामा वन, गामा वन, नेक्स्ट पॉइंट टू, गामा वन की वैल्यू वन होती है, गामा वन की वैल्यू क्या होती है, वन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गामा वन कितना होता है, वन होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि गामा वन वन क्यों आता है, इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट गामा वन इक्वल टू वन, है ना, गामा वन की वैल्यू वन है, ऐसा आप प्रूफ करिए, टू मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चलिए तो यहां पर हम गामा वन को निकालते हैं, देखिए गामा वन कितना आएगा। अब आपको क्या क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहां आपको एन दिखाई दे रहा है वहां पर वन पुट कर दो। तो देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गामा एन का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन एन डी एक्स। अब आपको क्या करना है इसमें, आप इसमें एन की जगह पर वन पुट कर दीजिए, पुट एन इक्वल टू वन। देखिए जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना इधर, गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, और यहां पर देखो x की पावर n माइनस 1 है तो n की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि x की पावर हो जाएगी 0 और dx। और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहां पर ये वन हो गया, यानी कि फाइनली हमारे पास बचा गामा वन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स बचेगा, क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। और अब इसका ई की पावर माइनस एक्स का कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो देखिए ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, गामा वन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन तो माइनस बाहर आएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गई जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखिए कितना आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस को बाहर ही रखते हैं, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर जीरो। अब आप ध्यान दें, आप सब जानते हैं कि e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, पहले भी बता चुका हूं क्यों जीरो होता है, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी को आप लिख सकते हैं वन अपॉन e की पावर इंफिनिटी, और वन अपॉन e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, और वन अपॉन इंफिनिटी होता है जीरो, तो इसका मतलब पहली टर्म तो जीरो आ गई, बाहर माइनस है, पहली टर्म जीरो माइनस e की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो करो वैल्यू वन आती है, सॉरी e की पावर, हाँ तो ये वन आ गई। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे, देखिए ब्रैकेट को ओपन करने पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस वन, तो गामा वन इक्वल टू वन, ये हमारा प्रूफ हो गया, गामा वन इक्वल टू वन, यहां से प्रूफ हो गया कि गामा वन की वैल्यू जो होती है वो वन होती है, ठीक है। तो अगर दो नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, हालांकि इसको प्रूव करने का एक और मेथड भी है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ही आसान है लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसलिए दो नंबर में आए तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखें, तो यहां पर हमारा गामा वन की वैल्यू आ गई वन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि गामा वन जो होता है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, ध्यान दें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गामा वन बाई टू की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा वन बाई रूट की वैल्यू, गामा वन बाई टू की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। देखिए इधर रूट लगा है, ये रूट है, ये गामा है, तो गामा वन बाई टू इक्वल टू रूट पाई, तो गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई होती है ना। अब इसके प्रूफ की बात करें, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है दो नंबर में, लेकिन इसका प्रूफ हम करेंगे अब थर्ड लेक्चर में, जो हमारा बीटा गामा फंक्शन का थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम गामा वन बाई टू का प्रूफ करेंगे, यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मेथड है हमारे पास ये वाला, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए n को हमें चेंज करना पड़ेगा, वन बाई टू पुट करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास इसके लिए आसान मेथड है, आगे चल के तब इसको प्रूफ करेंगे। अभी इसको आप याद कर लीजिए कि गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इसका यूज हम पिछले चैप्टर में भी एक दो जगह कर चुके हैं,
अगर आपको पिछले टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था है ना मल्टीपल इंटीग्रेशन, वहां पर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई को हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गामा जीरो, गामा जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब गामा जीरो डिफाइन ही नहीं है, गामा जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन है, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो गामा जीरो इनफाइनाइट। तो यहां पर ये था हमारे पास व्हाट इज गामा फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको गामा फंक्शन समझ में आ गया होगा कि गामा फंक्शन क्या है ना, और गामा एन की वैल्यू, मतलब गामा फंक्शन गामा एन इक्वल टू कितना होता है, गामा एन प्लस वन इक्वल टू कितना होता है, गामा वन कितना होता है, और गामा 1/2 रूट पाई है, गामा जीरो इन्फिनिटी है, इतना आपको यहां से आना चाहिए। अब चलते हैं आगे, देखिए नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। देखिए यहां पर जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे इनका बहुत ज्यादा यूज क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रूव दैट, ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है जरा ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी है कि गामा एन प्लस वन की जो वैल्यू होगी वो एन इंटू एन गामा होगी, है ना। अब यहां पर मैंने प्रूफ, ये पहली प्रॉपर्टी है, प्रूफ क्यों लिखा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा। ठीक है ना, तो चलिए इसका प्रूफ हमें करना पड़ेगा, तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ, गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा, है ना। तो इसका प्रूफ हमें करना है, देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा गामा फंक्शन होता है उसको कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं, गामा फंक्शन को। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे, वी नो दैट, तो इसका प्रूफ गामा फंक्शन ही से ही स्टार्ट होगा, तो वी नो दैट, तो मैं यहां पर गामा फंक्शन लिख रहा हूं। देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन dx, ये हमारे पास है गामा फंक्शन, यहीं से इसका प्रूफ क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। चलिए तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन dx, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट, देखिए पुट करेंगे n को, n की जगह पर n प्लस वन पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें गामा n प्लस वन निकालना है, तो n के प्लेस पर पुट कर दीजिए n प्लस वन। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा जरा उस पर ध्यान दें, देखिए गामा n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और x की पावर n dx। जब आप n की जगह n प्लस वन पुट कर देंगे तो e की पावर माइनस x, x की पावर n और dx, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान दें, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते समय हम कौन से रूल का ध्यान रखते हैं, आइलेट, है ना। मतलब इनवर्स फंक्शन है तो उसको सबसे पहले लेंगे, लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है। तो यहां पर आप देखो एक एक्सपोनेंशियल और एक एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक वाले को वन मानेंगे, तो एल्जेब्रिक केस में एक्स की पावर एन तो ये हो गया हमारा वन, और ई की पावर माइनस एक्स ये हो गया हमारा टू, तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कितना आ जाएगा, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी। देखिए मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अब देखो क्या होता है आइलेट, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे एक्स की पावर एन, और सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स ही होगा लेकिन माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और इसकी लिमिट यहीं पर पुट कर देते हैं, दैट इज जीरो टू इंफिनिटी माइनस। अब अगला पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पहला पार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
फर्स्ट क्या है, x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड e की पावर माइनस x है तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा, ठीक है, और यहां पर आ गया मेरे पास dx। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ गया। अब आगे देखिए, यहां के बाद अब क्या करना है, जरा ध्यान दें, देखो अब यहां से हम आगे चलते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जरा ध्यान दें। देखो अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं पहले पार्ट में, अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो यहां पर इंफिनिटी की पावर n और e की पावर इंफिनिटी आएगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर इंफिनिटी होता है जीरो, कितना होता है, e की पावर इंफिनिटी जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस जब आप करेंगे तो यहां पर x की जगह जीरो आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई में ही जीरो आ गया तो पूरी टर्म जीरो, यानी कि ये वाली पहली टर्म तो जीरो माइनस जीरो ही आएगी। इस टर्म में अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो माइनस जीरो ही आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो। चलिए तो पहले पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो माइनस जीरो ही आ गया, है ना। अब हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। अब जरा अगले पार्ट में आप देखें, e की पावर माइनस एक्स है, माइनस को बाहर ले लेते हैं प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और जो ये n है, n तो कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, n है कांस्टेंट, तो n को भी मैं बाहर ले सकता हूं, तो n भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स और dx, मतलब हमारे पास फाइनली आ गया गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n टाइम्स जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n और dx, x की पावर n और dx। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे पास आया है ना, ये क्या है, राइट साइड में जो ये वैल्यू लिखी गई है, जरा ध्यान दें, इसमें n इंटू जो लिखा गया है ये है क्या, देखें गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n, और ये गामा n की ही डेफिनेशन आ गई वापस, है ना। अच्छा यहां पर एक मिनट, x की पावर, हाँ यहां पर देखें n इंटू e की पावर माइनस एक्स, और यहां पर ये n बाहर आ गया, x की पावर n माइनस वन भी तो लिखना है, x की पावर n माइनस वन dx, और यहां पर भी आएगा x की पावर n माइनस वन dx। तो यहां पर ये n और ये क्या है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, यानी कि n इंटू गामा n, ये हमारे पास फाइनली जो प्रॉपर्टी थी वो प्रूफ हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फाइनल प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है ना। आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आप गामा फंक्शन को कंसीडर करेंगे, फिर उसमें एन की जगह पर एन प्लस वन पुट करेंगे, एन प्लस वन पुट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें बाईपार्ट्स लगा देंगे, बाईपार्ट जैसे ही आप लगाएंगे आपको ये टर्म मिलेगी, और यहां पर ये देखो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, यही तो हमारा क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। तो इसकी जगह गामा एन लिख देंगे और हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया यहां पर। तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। अब इसमें देखो, अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो यहां पर हमें बहुत सारे रिजल्ट हमें यहां से मिल जाएंगे। देखिए कैसे, देखो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर n प्लस वन है और यहां पर n इंटू गामा n है, यानी कि इधर n प्लस वन है और उधर दोनों जगह पर n है, यानी कि n की वैल्यू वहां पर कम हो गई, वन से डिक्रीज हो गई। यानी कि मैं अगर यहां पर लिखूं, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि गामा वन क्या होगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गामा एन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जब यहां पर एन प्लस वन था तो वहां पर एन था, जब यहां पर एन होगा तो यहां पर एन माइनस वन होगा। ये बात समझ में आ गई कैसे भाई, यहां पर जब एन प्लस वन था तो एन प्लस वन में से वन डिक्रीज करो तो एन आएगा, देखो एन प्लस वन में से वन माइनस करो तो एन आता है ना, तो यहां पर देखो एन प्लस वन था तो यहां एन आया, इसका मतलब वन को माइनस किया। अब अगर यहां पर 1 n है तो इसमें से 1 को माइनस करो जरा तो n माइनस वन आएगा, और मतलब बाहर आ गया n माइनस वन, अंदर कितना आएगा, अंदर भी n माइनस वन ही आएगा, अंदर भी n माइनस वन ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिखूं गामा n माइनस वन, अब गामा n माइनस वन किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान देना,
इसमें से फिर वन को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो एन माइनस वन में से वन को डिक्रीज करोगे तो एन माइनस टू आ जाएगा, और ये भी एन माइनस टू आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी टर्म को लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं गामा एन प्लस थ्री, तो देखो गामा एन प्लस थ्री कितना आएगा। अब देखो यहां पर एन प्लस थ्री है, इसमें से वन कम कर दो तो वन को डिक्रीज करेंगे तो एन प्लस टू और गामा गामा एन प्लस टू आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी हम इसी की हेल्प से प्रूव करेंगे, है ना। तो मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का, अगर इधर गामा एन प्लस वन है तो उधर एन इंटू गामा एन है, तो इस प्रॉपर्टी से हम बहुत सारे रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। और देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि गामा टेन है तो गामा टेन को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं। देखो भाई टेन है, टेन को वन कम कर दो तो नाइन इंटू गामा नाइन, नाइन इंटू गामा नाइन। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इस प्रॉपर्टी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉपर्टी तो ये है लेकिन हम इससे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी गामा एन प्लस वन को। अब देखो प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड तो वही है, लेफ्ट साइड वही है, लेकिन अगर आप राइट साइड को देखें तो इस बार राइट साइड अलग है, एन फैक्टोरियल आ गया। क्या आ गया? एन फैक्टोरियल, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फैक्टोरियल के टर्म्स में है, है ना। गामा एन प्लस वन, देखिए पिछली प्रॉपर्टी में गामा एन प्लस वन एन इंटू गामा एन था, और इस प्रॉपर्टी में क्या हो गया, गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल के इक्वल है, और इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए जरा कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दें, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से बात समझ में आ रही है, यहां से स्टार्ट होगा इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो आप जरा ध्यान दें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट है ना, वी नो दैट। चलिए तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन इंटू गामा एन के इक्वल होता है, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर वन। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें एन को रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन से, हम बार बार यही करते जाएंगे, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करते जाएंगे, है ना। तो रिप्लेस एन बाय एन माइनस वन, एन को किस से रिप्लेस करना है, एन माइनस वन से रिप्लेस करना है, कहां पर, इन इक्वेशन वन। तो जब आप इक्वेशन वन में n को n माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, गामा, देखिए n की जगह पर n माइनस वन लिखेंगे, तो जब आप n की जगह पर n माइनस वन लिखेंगे तो यहां पर तो n आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, n। क्यों आएगा, क्योंकि n प्लस वन लिखा है, और n की जगह जब आप n माइनस वन रख देंगे, प्लस वन कर देंगे, तो वन से वन कट जाएगा, n ही बचेगा। इधर देखो, इधर आ जाएगा n माइनस वन और गामा n माइनस वन। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, यही तो मैंने यहां पर बताया था एंड में, गामा n n माइनस वन और गामा n माइनस वन। अब आगे चलते हैं, देखिए कितना समझ में आ गया। अब आगे, अब अगेन ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर टू, कौन सी इक्वेशन हो गई, टू। अब क्या करेंगे, रिप्लेस n बाय n माइनस वन, अब फिर से वही काम करेंगे इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू। अब ये जो टू आई थी, इसी इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दो n माइनस वन से, तो देखो जब n की जगह n माइनस वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू, देखो n माइनस वन है पहले से, n माइनस वन में n की जगह अगर आप n माइनस वन रख देंगे तो ये n माइनस टू हो जाएगा, n माइनस टू, तो n माइनस टू और यहां पर भी n माइनस टू, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ रिप्लेस, अब अगेन वही काम करना है, रिप्लेस n बाय, रिप्लेस n बाय n माइनस वन, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर थ्री, इस थ्री जो अभी भी आई है इसी में रिप्लेस करेंगे
एन को एन माइनस वन से, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारे पास एन माइनस टू। देखिए लेफ्ट साइड में आएगा एन माइनस टू, एन माइनस टू, तो गामा एन माइनस टू ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। इधर कितना आ जाएगा, इधर एक कॉमन और हो जाए। देखिए यहां एन माइनस वन है तो यहां एन माइनस टू है, यहां एन माइनस टू है तो उधर एन माइनस थ्री हो जाएगा, एन माइनस थ्री और गामा एन माइनस थ्री, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फोर। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती चले जाएंगे, है ना। आप यहां एन माइनस टू आया, अब फिर से आप एन माइनस थ्री आएगा, फिर एन माइनस फोर आएगा, फिर एन माइनस फाइव आएगा और ये बढ़ते चले जाएगा आगे, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, तो ऐसे ही ये चलते जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये जितने भी वैल्यूज आई हैं इन सबको उठा के इक्वेशन वन में रख देना है, ठीक है। तो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुट ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन वन। अब देखिए जब सभी वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दें जरा। इक्वेशन वन थी हमारे पास गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, यहां पर हमारे पास है एन, एन इंटू गामा एन है, क्या है, एन इंटू गामा एन। अब जरा ध्यान देना गामा एन की वैल्यू कितनी आई है, एन इंटू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, है ना। अब ध्यान देना यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं एन इंटू गामा एन की वैल्यू एन माइनस वन और गामा एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो गामा एन कितना आ गया था, गामा एन आ गया था एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन। अच्छा और आगे चलेगा, अब क्या करें, अब इसमें गामा एन माइनस वन की वैल्यू पुट करो, गामा एन माइनस वन कितना, एन माइनस टू और गामा एन माइनस टू। तो अब यहां पर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो गामा एन माइनस वन की, तो ये वैल्यू आएगी एन माइनस टू और गामा एन माइनस टू। और आगे बढ़ेंगे, अब गामा एन माइनस टू की वैल्यू कितनी है, एन माइनस थ्री और गामा एन माइनस थ्री, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और गामा एन माइनस थ्री। और आप ऐसे ही चलते जाएंगे, आप ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, फाइनली आपको मिल जाएगा गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ठीक है। और ये ऐसे ही चलते जाएंगे, एन माइनस फोर भी आएगा, एन माइनस फाइव भी आएगा, डैश डैश करते हुए। अब यहां से मैं ऐसे ही चल दिया, देखिए लास्ट में क्या आएगा, ध्यान देना, ये एन हमेशा डिक्रीज होता जा रहा है, तो एन जब डिक्रीज होता जा रहा है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, और वन वन डिक्रीज हो रहा है तो इसका, और एन इंटीजर है तो जब वन वन डिक्रीज होगा तो यहां पर हम वन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा होगा, थ्री टू वन और गामा वन, ये हमारे पास आएगा लास्ट टर्म। अब इस पे जरा ध्यान दें, देखिए यहां से हमें वैल्यू क्या मिल गई, अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, जरा ध्यान दें, गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन किसके इक्वल आ गया, देखो अब इस टर्म को आप ध्यान दें तो यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू किसकी है, एन फैक्टोरियल की है। भाई एन फैक्टोरियल को ऐसे तो लिखते हैं हम एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, जब एन फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो यही तो एन फैक्टोरियल होता है। और एन फैक्टोरियल यानी कि यहां पर हमारे पास आ गया एन फैक्टोरियल इंटू गामा वन, और गामा वन की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं वन होती है, कितनी होती है, वन होती है। तो अगर गामा वन की जगह मैं वन कर दूं तो मेरे पास एन प्लस वन की वैल्यू आ गई एन फैक्टोरियल, और यही मुझे प्रूफ भी करना था, ठीक है ना, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ठीक। तो मेरे ख्याल से आसान है, हेंस प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ऐसा हमें प्रूफ करना था, ठीक है।
तो यहां से देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसके रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो यहां पर देखो क्या है हमारे पास, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अच्छा, गामा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस वन को मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, गामा एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन और डीएक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन फैक्टोरियल। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो एन फैक्टोरियल आएगी। देखो ध्यान दो, इधर कुछ नहीं लिखा मैंने, गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन इज ऑल्सो इक्वल टू, गामा एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, यहां देखिए, यहां पर मैंने लिखा था गामा एन प्लस वन कहां गया, ये रहा जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स। तो गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल होती है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर कुछ हमारे लिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरा ध्यान देंगे, है ना। तो यहां पर नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए पहला, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, है ना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है, जरा ध्यान देंगे। देखो यहां से हमारे पास आया है एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, है ना। तो देखो यहां पर जरा ध्यान देना इस फॉर्मूले पे, अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो तो देखो क्या हो रहा है, इधर एन प्लस वन है और उधर एन है, यानी कि एक वैल्यू कम हो गई। तो अगर मैं इधर एन लिखूंगा तो उधर क्या आना चाहिए, एन माइनस वन आना चाहिए। देखिए क्या करना है, सिंपली हम एन को अगर एन माइनस वन से रिप्लेस कर दें तो इधर तो एन बचेगा और उधर एन माइनस वन हो जाएगा। या आप सीधा सोचिए कि जब इधर एन प्लस वन है और उधर एन है, तो इधर कुछ भी लिखा होगा तो उधर एक काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से सीधे सीधे ऐसा बोल सकता हूं, गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, है ना। गामा एन क्या होगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा। इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि गामा फाइव की वैल्यू बताओ, तो गामा फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए गामा फाइव, यहां एन है तो यहां एन माइनस वन है, यहां फाइव है तो यहां फाइव माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि फोर फैक्टोरियल। और इस फोर फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना आ गया 12, 24। तो 5 गामा की वैल्यू 24 होती है, जो कि आप इवेल्युएट कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना। चलिए अब आगे देखिए, अभी आगे कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यूज को। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया होगा कि गामा एन जो होता है वो हमारा किसके इक्वल है, एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल है ना। अब यहां पर जरा देखें आगे, देखो यहां पर अब दो तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होगा। देखो सबसे पहले, अगर इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, अब ध्यान देना जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए n पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ इंटीजर भी है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने सब ऊपर लिखा है। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले को कब यूज करना है। इस फॉर्मूले को तब यूज करेंगे जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं गामा 6। अब मुझे गामा 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो गामा 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस वन फैक्टोरियल, 6 माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये मेरा एक एग्जांपल है 6 माइनस वन फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 फैक्टोरियल। नाउ अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी आ गई ये वैल्यू, 5 4 जा 20, 20 60 एंड 120।
तो ये वैल्यू आएगी 120, यानी कि गामा 6 की वैल्यू 120 होती है। इस तरह से आप किसी भी इंटीजर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन याद रहे, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ n इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तब क्या करेंगे। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दें इधर। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जरा फॉर्मूले पे ध्यान दें। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। किस फॉर्मूले को लगाएंगे, इसको लगाएंगे, एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इन टू गामा एन, ये फॉर्मूला है। अब इधर एन प्लस वन है तो इधर एन गामा एन है, ठीक है। और अगर इसी में मैं लेफ्ट साइड में गामा एन लिखूं, देखिए इसी में अगर मैं लेफ्ट साइड में गामा एन लिखूं तो इधर हो जाएगा एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर एन पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज हम रिपीटेडली करेंगे। बात समझ में आ रही ना, कब तक करेंगे, जब तक फ्रैक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन। अब यहां पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, है ना। देखिए इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। देखिए ध्यान दें, तो यहां पर हमारे पास गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए जरा एग्जाम्पल, है ना। तो एक एग्जाम्पल हमने ये आपको बताया था, ये भी क्या था, एक एग्जाम्पल था जिससे हमने इसको समझाया था। अब यहां पर देखिए सेकंड एग्जाम्पल, देखो यहां पर मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूं, जैसे हमने यहां पर फ्रैक्शन ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अभी छोटा सा एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है गामा, चलिए 3/2 की बात कर लेते हैं फिलहाल, गामा 3/2। हमें गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है जो कि एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो क्या लिखा है, गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये एन की वैल्यू 3/2 है, तो एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, गामा एन माइनस वन। यहां से देखो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 3/2 में से 1/2 को माइनस करो तो 1/2, और गामा 1/2, गामा 1/2। अब यहां पर फिर से गामा 1/2 आ गया, तो फिर से हमें यही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। लेकिन अब मैं जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 1/2 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो -1/2 बचेगा। और मैंने क्या कहा, हमें केवल जब तक बढ़ना है तब तक ये पॉजिटिव रहता है, तो इसके बाद ये निगेटिव हो जाएगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो यही इसका आंसर है। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि गामा 1/2 रूट पाई होता है, तो इसकी वैल्यू रूट 1/2 रूट पाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे करना वो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको पॉजिटिव फ्रैक्शन दिखाई दे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, ठीक है। और कब तक आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक हमारा गामा के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तब तक आप बढ़ेंगे, निगेटिव जैसी आएगी आप रुक जाएंगे। जैसे इसके बाद निगेटिव आ जाएगी तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी, यहीं पर तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर हमारा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने एन पॉजिटिव फ्रैक्शन कर लिया, एन पॉजिटिव इंटीजर कर लिया। अब हम चलते हैं, इफ एन इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन, अगर एन नेगेटिव फ्रैक्शन हुआ तब क्या करेंगे, है ना। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमने जो डेफिनेशन लिखी थी गामा फंक्शन की, उसमें एन को कहा था कि एन पॉजिटिव है, और अब हम यहां बात कर रहे हैं कि एन नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो क्या ये एन नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन होगा, है ना, क्या ये एन नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए डिफाइन होगा। हाँ देखिए, एन नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन होगा, लेकिन कैसे डिफाइन होगा जरा ध्यान देना। हमारे पास जो ये फॉर्मूला था इसको हम थोड़ा सा ये देखिए, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से गामा एन निकालेंगे,
तो देखिए गामा एन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एन। तो इसमें से मैं अगर गामा एन को फाइंड आउट करूं तो गामा एन कितना आ जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन में एन। तो अगर निगेटिव फ्रैक्शन दिखाई दे, आपको निगेटिव फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन में इनका यूज होना है, ठीक है ना, और इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट भी दो नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए तो अगर निगेटिव फ्रैक्शन दिखाई दे तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निगेटिव फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जरा ध्यान देना। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इसके लिए, गामा माइनस फाइव अपॉन थ्री, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूले का यूज करना, जरा कैसे यूज होगा ध्यान देना। देखो अगर यहां पर n है तो यहां पर n प्लस वन अपॉन एन लिखा है, तो हम भी वही करेंगे, हमारा n माइनस फाइव बाई थ्री है, माइनस फाइव बाई थ्री, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह तो आएगा माइनस फाइव बाई थ्री और प्लस वन, अपॉन में n है तो n की जगह पर माइनस फाइव बाई थ्री, क्योंकि हमारा n माइनस फाइव बाई थ्री है। देखो सिंपली मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, माइनस फाइव बाई थ्री था गामा में, तो n प्लस वन था तो माइनस फाइव बाई थ्री प्लस वन हो गया, क्योंकि n हमारे पास गामा माइनस फाइव बाई थ्री है, अपॉन में माइनस फाइव बाई थ्री। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, देखिए गामा माइनस फाइव बाई थ्री में से एलसीएम थ्री लेंगे तो ये प्लस थ्री आ जाएगा, यानी कि माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा, माइनस टू बाई थ्री बचेगा अपॉन में हमारा माइनस फाइव बाई थ्री। अब इस फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर दीजिए, इस फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर दीजिए, अब इस बार देखिए क्या आ जाएगा। आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे इसके अगले नेक्स्ट स्टेप में तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए न्यूमरेटर में आप फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, गामा गामा एन प्लस वन यानी कि माइनस टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन में, देखिए माइनस फाइव बाई थ्री तो पहले से ही था और एक एन और नीचे आ जाएगा, दैट इज माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा, देखें जरा सिंप्लीफाई करने के बाद गामा माइनस फाइव बाई थ्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी। देखो जब एलसीएम लूंगा तो ये वन बाई थ्री हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा गामा वन बाई थ्री, गामा वन बाई थ्री, और नीचे कितना आएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फाइव टू जा टेन, टेन अपॉन नाइन, टेन अपॉन नाइन। तो इसको अगर हम सही से लिखें तो यहां पर गामा माइनस फाइव अपॉन थ्री की वैल्यू आ जाएगी नाइन अपॉन टेन गामा वन बाई थ्री। अब गामा वन बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी, अब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, अगर गिवन होगी तो लिख देंगे। तो हमारे पास माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू नाइन अपॉन टेन गामा वन बाई थ्री। देखिए सभी पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू होती है ना, सभी पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, लेकिन हमें सब याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। देखो इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे हमारे पास अब पॉजिटिव फ्रैक्शन आ गया, हम पॉजिटिव फ्रैक्शन जैसे ही आ जाएगा रुक जाएंगे, जब तक निगेटिव है तब तक चलते रहेंगे, जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा रुक जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ एन इज अ निगेटिव इंटीजर, एन क्या है, अगर निगेटिव इंटीजर है तब क्या होगा, है ना। तो निगेटिव इंटीजर है तब क्या करेंगे, तब भी आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए तो आप यहां पर भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप निगेटिव इंटीजर का गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे होगा, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, गामा माइनस फोर। अब मुझे गामा माइनस फोर की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान देंगे कैसे निकलेगी। गामा माइनस फोर फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, गामा गामा माइनस फोर प्लस वन अपॉन में माइनस फोर। आगे बढ़ेंगे
देखो ये माइनस थ्री आ जाएगा, तो गामा माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर। और आगे बढ़ेंगे तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, गामा माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस फोर, पहले से ही था माइनस थ्री और आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा गामा माइनस टू अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो गामा माइनस वन है, तो गामा माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री एंड माइनस टू। और आगे जाएंगे तो अगले स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान देना। देखो ये हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस वन अपॉन, मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व टू या ट्वेंटी फोर, तो माइनस का ट्वेंटी फोर आ रहा है। इसको और आगे बढ़ाऊं मैं तो गामा माइनस वन प्लस वन अपॉन में माइनस ट्वेंटी फोर और माइनस वन। अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो गया गामा जीरो, और गामा जीरो कितना होता है, गामा जीरो अपॉन ट्वेंटी फोर, गामा जीरो अपॉन ट्वेंटी फोर। अब यहां पर जरा आप ध्यान देंगे, गामा जीरो अपॉन ट्वेंटी फोर आ रहा है, गामा जीरो की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, गामा जीरो होता है इनफाइनाइट। हमें ये प्रूफ देखिए, हम गामा जीरो को इनफाइनाइट प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत बड़ा इसका प्रूफ होता है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। तो गामा जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब यहां पर आप ध्यान दें तो गामा जीरो आ गया ऊपर, तो यानी कि इनफाइनाइट अपॉन ट्वेंटी फोर, तो इनफाइनाइट अपॉन ट्वेंटी फोर तो इनफाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ अगर आप निगेटिव इंटीजर का गामा कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आती है, यानी कि निगेटिव इंटीजर का गामा डिफाइन नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि अगर निगेटिव नंबर का गामा आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट। तो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। तो गामा अगर आप निगेटिव नंबर का निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि गामा माइनस फोर हो, माइनस फाइव हो, माइनस सिक्स हो, कुछ भी नंबर लिखा हो निगेटिव में, इंटीजर होना चाहिए, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। लेकिन अगर निगेटिव फ्रैक्शन है तो वैल्यू आएगी, निगेटिव इंटीजर है तो इनफाइनाइट आएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो गामा है वो कहां कहां डिफाइन है। पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। पॉजिटिव फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, निगेटिव इंटीजर निगेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहां से आएगा, ठीक है। निगेटिव इंटीजर की वैल्यू आप निकालेंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि निगेटिव इंटीजर की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो गामा फंक्शन की थी वो आपको सब बता दी। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर भी ये सब भी गामा की ही प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब आनी चाहिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास, इवेल्युएट गामा सेवन अपॉन टू। अब हमें गामा सेवन अपॉन टू की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो देखिए पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, है ना, यूजिंग एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हमें इवेल्युएट करना है गामा सेवन अपॉन टू को, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन और गामा एन माइनस वन। इस फॉर्मूले का जरा यूज करेंगे, देखिए कितना आएगा, इस फॉर्मूले का यूज करते जाएंगे हम। देखो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, गामा सेवन बाई टू की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो n है तो n माइनस वन, तो हम यहां क्या करेंगे, 7 अपॉन टू माइनस वन गामा 7 अपॉन टू माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट तो यहां पर ये कितना बचेगा, 5 बाई टू। फिर से गामा फंक्शन लगाएंगे, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये 5 बाई टू तो ऐसे रहेगा, और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, 5 बाई टू बाहर माइनस वन। देखो फिर से गामा 5 बाई टू में यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, और गामा में 5 बाई टू माइनस वन तो कितना आ जाएगा, 5 बाई टू। देखो 5 बाई टू में से माइनस वन करेंगे तो 3 बाई टू,
और गामा 3/2। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। हाँ, तो हमारे पास गामा 7/2, कहां तक पहुंच गए हम, 5/2, 3/2, और गामा में हमारे पास बच रहा है 3/2। और आगे बढ़ेंगे तो 5/2, 3/2, और यहां फिर से माइनस वन कर देंगे, तो 3/2 माइनस वन और 3/2 माइनस वन। तो अब कितना आ जाएगा, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा में 1/2। तो ये कितना आ गया, देखिए जरा, 15/8 और गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने आपको बोला है कि आपको याद करनी है ना, रूट पाई। तो हमारे पास 7/2 की वैल्यू आ गई 15/8 रूट पाई। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, दो नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दो दो नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया। नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, जरा आए, ये तो पॉजिटिव फ्रैक्शन तो हो गया हमारा, नेगेटिव फ्रैक्शन देखिए, n पॉजिटिव इंटीजर, मेरे ख्याल से पॉजिटिव इंटीजर का क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आएगा आप डायरेक्टली कर लेंगे है ना। नेगेटिव फ्रैक्शन देखिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, चलिए नेगेटिव फ्रैक्शन, तो वी नो दैट अब यहां पर जरा फॉर्मूला लिखें, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे नेगेटिव फ्रैक्शन को निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक ये रहा हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे है ना। चलिए देखो अब इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास, -5/2 इज इक्वल टू गामा -5/2। तो देखो इस फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, -5/2 + 1, क्यों लिखा, क्योंकि जब यहां n था तो यहां n प्लस 1 था, तो n हमारे पास -5/2 है, तो -5/2 + 1 अपॉन में -5/2, ठीक। चलिए अब इसको मैं इसके आगे ही कंटिन्यू कर देता हूं, देखो अब अगले स्टेप में क्या आएगा, यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका गामा -3/2 है ना अपॉन में -5/2 है ये हमारे पास। और आगे बढ़े तो और आगे इसको आप कंटिन्यू करोगे तो देखिए फिर से आप इसमें गामा एन माइनस वन का फॉर्मूला लगा दीजिए, गामा एन माइनस वन का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले पार्ट में नीचे का ऐसी रहेगा, तो कितना आ जाएगा, -3/2 + 1 डिवाइडेड बाई -5/2, तो पहले से ही था, अब दोबारा फॉर्मूला लगाया है तो एक बार और यहां पर -3/2 आ जाएगा, -3/2, इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, गामा यहां पर देखो -1/2 बचेगा, -1/2 अपॉन में -5/2 और -3/2। अब इसको इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करेंगे, देखिए जब तक पॉजिटिव फ्रैक्शन ना आ जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, तो हमारे पास गामा -5/2 की वैल्यू कहां तक आ गई है, गामा -1/2 डिवाइडेड बाय, देखो इसको चाहे तो हम यहीं पर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यहां पे एक साथ ही कर लेंगे, -5/2 × -3/2। चलिए अब इसमें फिर से एक बार और फॉर्मूला लगा दीजिए, तो देखिए एक बार और लगाएंगे कितना आ जाएगा, गामा -1/2 + 1 अपॉन में -5/2 × -3/2 ×। अब यहां पर देखो -1/2 और आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो यहां से वैल्यू मिली वो देखिए कितनी आ जाएगी, वहां देखो +1/2 बचेगा गामा 1/2 डिवाइड में, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 × 3 = 15/8, यानी कि -15/8 तो यहां से हमें मिल जाएगा गामा
माइनस फाइव बाई टू, एट जाएगा ऊपर तो माइनस एट अपॉन फिफ्टीन एंड गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू कितना होता है, गामा वन बाई टू होता है रूट पाई, तो गामा माइनस फाइव अपॉन टू की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस एट अपॉन फिफ्टीन रूट पाई। तो ये इसका हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इवेल्युएट करेंगे जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसको कैसे इवेल्युएट करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। तो ये गामा फंक्शन की हेल्प से कैसे इवेल्युएट होगा, जरा इधर ध्यान दें। देखिए फंक्शन है हमारे पास जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो सबसे पहले हमें इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए गामा फंक्शन की फॉर्म में तो e की पावर माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं होता। तो क्या करें, पहले इस एक्स स्क्वायर की जगह कुछ और पुट कर देते हैं। तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी रख देंगे। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर की जगह टी रख देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्यों किया, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उससे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी तो हमारे वेरिएबल चेंज होंगे, क्योंकि हमें यहां से dx को डाना, dx कैसे आएगा डिफ्रेंशिएट करके। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो रूट टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x हटाना है, t में लाना है इसको। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2 अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी को हम लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट टी को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2 टी की पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टी की पावर 1 बाई 2 होता है। तो देखिए टी की पावर जब 1 बाई 2 होगा डिनोमिनेटर में, तो जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो t की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यानी कि dx की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पर हम t पुट करेंगे, तो हमारे पास x का भी पता चल गया हमें, x स्क्वायर का, और dx का भी पता चल गया। अब हम इसको आगे देखिए, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करते हैं, तो जरा लिमिट पे ध्यान दें। देखिए लिमिट क्या होगी, देखिए यहां पर देखो ये एक्स की लिमिट है, तो वेन एक्स इक्वल टू जीरो, जरा ध्यान दीजिए, वेन एक्स इक्वल टू जीरो, When लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, when x इक्वल टू जीरो, देखिए जब x इक्वल टू जीरो होगा तो t इक्वल टू कितना होगा, t भी जीरो होगा। तो when x इक्वल टू जीरो t इज ऑल्सो जीरो, है ना। और when x इक्वल टू इनफाइनाइट, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो t की वैल्यू भी इनफाइनाइट है, x इनफाइनाइट तो t भी इनफाइनाइट। चलो अब आगे देखो, x इनफाइनाइट t भी इनफाइनाइट, तो हम यहां पर अब वैल्यू को चेंज करते हैं। देखिए तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, देखिए वो कैसे चेंज होगा उस पर जरा ध्यान दें। तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखें जरा, देखिए जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस t, और देखो लिमिट हमारी जीरो, देखिए जब x जीरो था तो t भी जीरो था, इसलिए यहां जीरो ही आएगा। व्हेन x इनफाइनाइट तो t भी इनफाइनाइट, तो वहां लिमिट में कोई चेंज नहीं आया। e की पावर माइनस t, x स्क्वायर की जगह t रख दिया, अब dx की जगह dx की वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाई टू t की पावर माइनस 1 बाई टू एंड dt। अब यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई, देखिए वो कितनी आ गई, जरा ध्यान दें, जीरो से इनफाइनाइट, इसको थोड़ा देखिए 1 बाई टू कॉन्स्टेंट में बाहर कर देता हूं, तो 1 बाई टू तो बाहर आ गया ना, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस t, t की पावर माइनस 1 बाई टू एंड dt। अब देखो ये कुछ आपको गामा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, किसमें, गामा की फॉर्म में, है ना। लेकिन गामा की फॉर्म में क्या होता है, e की पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 होता है, तो इसको n माइनस 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, n माइनस 1 में। देखिए तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई टू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस t, और t की पावर को क्या मैं 1 माइनस, देखिए t की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहां लिख सकते हैं 1 बाई टू माइनस 1, भाई माइनस 1 बाई टू है ना, तो 1 बाई टू में से माइनस 1 कर दो,
तो ये आ गया हमारा टी की पावर एन माइनस वन और डी टी और डी टी। अब यहां पर वेरिएबल टी है और वहां पर एक्स है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल चाहे जो भी हो, आप टी की जगह डायरेक्ट इसमें एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन टू जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, अब टी की जगह एक्स कर दो सब जगह, और एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन और डी एक्स। ऐसा क्यों किया, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको जीरो टू इन्फिनिटी एफ वाई डी वाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वहां ए से लेके बी और ए से बी एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, यानी कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में आप पूरे, देखिए पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप पूरा वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। यहां पर ये पहले इंटीग्रेशन एक्स की फॉर्म में था, वाई की फॉर्म में आ गया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो यानी कि मैंने टी की फॉर्म में था, डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास, वन बाई टू, और ये क्या है हमारे पास, गामा फंक्शन की ही डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर एन की जगह वन बाई टू है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू कितना होता है, गामा वन बाई टू की वैल्यू होती है रूट पाई, तो वन बाई टू रूट पाई इसका आंसर आ गया, वन बाई रूट पाई इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई, जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू वन अपॉन टू रूट पाई आ गई, रूट पाई। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया रूट पाई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रूट पाई हमारी इसकी, वन बाई टू रूट पाई इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए इवेल्युएट जीरो से इंफिनिटी फोर्थ रूट ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, जीरो टू इंफिनिटी फोर्थ रूट एक्स ई की पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जीरो से इंफिनिटी फोर्थ रूट एक्स ई की पावर माइनस रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो आगे, इसके बाद देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां जीरो से इंफिनिटी फोर्थ रूट एक्स ई की पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, ये हमारा आ गया, ठीक। चलिए अब इसमें आगे देखिए क्या हुआ, देखिए यहां पर, अब इसमें देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो फोर्थ रूट एक्स है ई की पावर माइनस रूट एक्स है ना, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसमें तो ई की पावर एक्स होती है, यहां पर रूट एक्स है, तो हमें इस रूट एक्स को हटाना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा हमें एक्स, है ना। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स की जगह टी रख दीजिए, क्यों, क्योंकि ई की पावर माइनस, हमें गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो यहां पर रूट एक्स की जगह मैंने रख दिया टी, तो अगर रूट एक्स टी है तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक। अब यहां पर देखो आगे, एक्स की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स आ जाएगा टू टी एंड डी टी, टू टी एंड डी टी, तो एक्स टी स्क्वायर डी एक्स टू टी और डी टी, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर कर रहा हूं, लेकिन पहले लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू जीरो, देखिए ये x x की लिमिट है, जब x जीरो है तो देखो t भी जीरो ही होगा, when x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो देखो जब x इनफाइनाइट है तो यहां पर x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो t भी इनफाइनाइट ही आएगा, तो t भी इनफाइनाइट है, यानी कि अगेन हमारी कोई लिमिट चेंज नहीं हुई है, लिमिट एज इट इज है। चलिए लिमिट को यहां पर अप्लाई करता हूं, देखिए कितना आ जाएगा, तो जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी फोर्थ रूट ऑफ एक्स, देखिए जीरो से इंफिनिटी, अब यहां पर ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखा है और एक्स की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, टी स्क्वायर। तो देखिए फोर्थ रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर वन बाई फोर, फोर्थ रूट को ऐसे लिखा जाता है, एक्स की पावर वन बाई फोर,
ठीक है। और यहां पर आप ध्यान दें एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर आएगा टी स्क्वायर, तो पहले मैं x की जगह टी स्क्वायर लिख देता हूं, x की जगह पर टी स्क्वायर, हमें टी में कन्वर्ट करना है, तो x के प्लेस पे आ गया टी स्क्वायर और इसकी पावर 1/4 आएगी। क्यों आएगी 1/4? क्योंकि x फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट का मतलब होता है x की पावर 1/4, और मैंने x की जगह पर पुट कर दिया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 1/4। और देखें यहां पर e की पावर माइनस टी, और dx की जगह क्या आ रहा है 2t dt, 2t and dt, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, x की जगह। तो 0 to infinity टी स्क्वायर की पावर 1/4 e की पावर माइनस टी 2t dt। चलिए अब इसको आगे देखिए कंप्लीट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 0 to infinity 0 to infinity। अब यहां पर देखो ये कितना आएगा टी स्क्वायर, तो यहां पर टी की पावर 1/2 आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी, टू को बाहर कर देते हैं, इनटू टी डीटी। अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखो टी की पावर 1 है, टी की पावर 1/2 है, तो सेम बेस होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो टी की पावर 1/2 और टी की पावर 1 को हम लिख सकते हैं टी की पावर 3/2। तो जरा इसको सही से लिखते हैं, टू तो बाहर है, 0 to infinity, यहां पर e की पावर माइनस टी को पहले लिख देते हैं, इंटू टी की पावर 3/2, और ये आ गया डी टी। तो देखो ये अब हमारा गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना, गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसको चाहे तो आप एक्स में लिखें या ना लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता, चलिए लिख देते हैं फिर भी। तो 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स टी की एक्स की पावर 3/2 एन डी एक्स। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, बार बार अभी भी बताया था मैंने कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं एफ वाई डी वाई। तो इसी प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। अब हमें देखिए इसके बाद यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, देखो अब यहां पर जरा कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या था, 0 से इनफाइनाइट था, फोर्थ रूट एक्स e की पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, टू तो बाहर है, और यहां पर देखो एक्स की पावर 3/2 है, इसको एन माइनस वन की फॉर्म में लिखते हैं, तो 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर 5/2 माइनस वन। देखो 5/2 माइनस वन करोगे तो 3/2 आ जाएगा। देखिए ये आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। चलिए तो इसीलिए मैंने बोला था जो हमने वहां पर पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यूज करते हैं, देखिए अब इसका क्या आ जाएगा आंसर, टू। अब देखो इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करो तो कितना आ रहा है, एन माइनस वन आ रहा है, एन माइनस वन, एन कितना है 5/2, एन कितना है 5/2, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 और 5/2, ठीक है 2 और 5/2। अब 5/2 फ्रैक्शन आ गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 की वैल्यू, 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5/2 हमने यहां निकाला, देखो यहां से ये 5/2 है, तो इसके आगे वाला पार्ट आ जाएगा ये, तो यहां पर हमें 5/2 फिर से निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे आप, 2 5/2 माइनस वन करेंगे और 5/2 माइनस वन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 into ये करेंगे तो 3/2, और गामा में 3/2, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां 2 से 2 कट गया तो 3 तो बाहर रहेगा। अब 3/2 माइनस वन, गामा 3/2 माइनस वन, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3, और यहां पर 1/2 और गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई, यानी कि हमारे पास फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वो 3/2 रूट पाई होगा, रूट पाई। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये लीजिए।
तो यहां से हमें मिल गया रूट थ्री बाई टू रूट पाई। ठीक, तो यहां पर देखिए मैंने आपको गामा फंक्शन बता दिया, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता दी, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए। ठीक है, अब गामा फंक्शन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन अब उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, फिर बीटा फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, और फिर इसमें हमारे पास डिरिचलेट इंटीग्रल भी है। ठीक, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बीटा गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो मैंने आपको कराया प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आज पढ़ाया है ये आगे आने वाले सभी लेक्चर में यूज होगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।